जैन में दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के बूढ़ी माई मंदिर के पास वार्ड क्रमांक 5 खैरबारी टोला में। यहाँ पर सुबह से ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर एक तेंदुआ छुपा हुआ है और देखा जाए तो यहाँ पर हर तरह के प्रशासनिक दल यहाँ पर मौजूद हैं। रेंजर ऑफिसर्स आ चुके हैं, थाना TI मोरवा के अनूप सिंह ठाकुर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और देखा जाए तो चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है। अभी उस तेंदुए को ड्रोन कैमरे से पता करने की कोशिश की जा रही है कि एक्चुअल में उसकी जो लोकेशन वो है कहाँ पर, वो किस जगह पर छुप करके बैठा हुआ है। और अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि शायद तेंदुआ पकड़ा जा सकेगा। इस विषय में हम आपको फिर अधिकारियों से भी मिलवाएंगे और अपडेट भी देंगे, लेकिन अभी तक की मिली जानकारी में हम आपको ये बता दें कि इस तेंदुए से एक व्यक्ति अभी घायल हो चुका है, एक व्यक्ति को उसने घायल भी किया हुआ है। और ये जो तेंदुए की खबर है, मैं आपको बता दूं, लगभग 2-3 महीने से ये हमारे सिंगरौली ज़िले में सक्रिय हैं। तेंदुए का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। अभी इससे पहले चमरखों में भी एक तेंदुआ पकड़ा गया था और इससे पहले भी तेंदुए की होने की आशंका थी, लेकिन इस बार जो जगह है वो बदल चुकी है। चमरखों से हट करके वो तेंदुआ अब बूढ़ी माई वार्ड क्रमांक 5 में भी अब यहाँ पर छुपा हुआ मौजूद मिल रहा है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, लोगों के हाथ में डंडे हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिलहाल तो लोगों के हाथ में डंडे ही हैं। हाँ, पूरा बेसरम का झाड़ी जो जानते हैं उसके लिए जानते हैं, वो नाली में जाल को लगाया जाता है, जाल बिछाया जाता है इधर से जब और यदि बात की जाए तो वार्ड क्रमांक 5 में खैरवारी टोला में अभी तेंदुआ मौजूद है और उस तेंदुआ से जो हानि एक व्यक्ति को हुई है जिसने हमला किया था, वो व्यक्ति हमारे साथ में है। नाम क्या आपका? बाबूलाल खैरवार। बाबूलाल खैरवार जी, कैसे हुआ बताएंगे कुछ? वही देख रहे थे, एक ठो कुत्ता था। हाँ। कुत्ता को कुदाते कुदाते कहाँ हमारे पास आ गया, हम भाग नहीं पाए। आप उसको देख पाए? कहाँ बड़ी हाथ देखें, हम तो घूम गए इसे। हाँ। तब वो आया तो हम घूम गए। हाँ। हमको भगाने का दौड़ा नहीं मिला। तो आप अच्छा, ये सब खरों चोरी मारा है ना? वो मार दिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो इनको, इनके कहने का मतलब ये है कि इन्होंने उसे देखा नहीं है ठीक से, लेकिन इस जख्म को देख करके, इस चोट को देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसा कि लोग कह रहे हैं कि तेंदुआ है तेंदुआ है, तो में भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो तेंदुआ है। फिलहाल अभी उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बाहर से टीम भी आ रही है और वो जो तेंदुआ है जिसको ड्रोन से भी देखने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक वो दिखा नहीं है। तो अभी तक वहाँ पर प्रशासन मौजूद है और लोगों की भीड़ भी मौजूद है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम खड़े हैं वार्ड नंबर 5 में खैरवारी टोला, जहाँ पर सुबह से इस बात की आशंका बनी हुई है कि यहाँ लगभग आप देख सकते हैं कि मेरे सामने रेंजर डिपार्टमेंट के कई सारे ऑफिसर्स मौजूद हैं। ये आशंका बनी हुई है कि कोई तेंदुआ इस जगह पर छुपा बैठा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक टाइगर भी हो सकता है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तेंदुआ भी हो सकता है। बस समस्या ये हो रही है कि अभी तक वहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है और बाहर से टीमें बुलाई गई हैं, उसे पकड़ने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा और उसे पकड़ा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इतने हाई टेम्परेचर में भी लोगों की यदि बात की जाए तो लोगों के अंदर इतनी उत्सुकता है, लोग देखने के लिए इतने तरीके से परेशान हैं। आप देखिए, सुबह से लोग इसी तरीके से यहाँ पर भूखे प्यासे खड़े हैं और इस बात का वेट कर रहे हैं कि शायद वो टाइम भी आएगा जब वो एक झलक देख पाएंगे उस बाघ की। ये तो बात हुई उत्सुकता की, लेकिन एक समस्या भी ये है कि आखिर ये सब बातें हो क्यों रही हैं, आखिर क्यों यहाँ पर इस तरीके से बार बार घटनाएं हो रही हैं, कभी कहीं पर तेंदुआ निकलता और कहीं पर बाघ होने की आशंका लोग बताते हैं। इसका सीधा मैं लोगों से पूछूंगा और जानना चाहूँगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर इस प्रकार से जो वन्य प्राणी इधर आ जा रहे हैं, गांव में आ जा रहे हैं, शहरों तक आ चुके हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? जंगलों की कटाई होती जा रही है जिससे जानवरों को भटकाव की मतलब हो रही है, बांध जानवर भटक करके शहरों की ओर कर रहे हैं। इस समय गर्मी अपने चरम पर है, पानी के स्रोत जो हैं वो सूख चुके हैं, इसलिए जंगली जानवर जो भी हैं शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। जंगलों की अवैध कटाई पूरे चरम पर है जिनसे उनको प्रॉब्लम होती है।
तो बात देखा जाए तो अभी जिधर हम खड़े हैं इसके चारों ओर खदानें हैं, आगे जाएंगे तो झिंगुरदा खदान है और उधर की बात की जाए तो जैन खदान, दुद्धीचुआ खदान, कई सारी खदानें हैं और खदानों का उत्खनन, कोयले का उत्खनन इस प्रकार से हो रहा है, इतनी तीव्रता से हो रहा है कि वो जितने भी जंगली जानवर हैं सब पलायन करके ग्रामीण क्षेत्रों में घुस रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा खतरा और बहुत बड़ा गंभीर समस्या भी बनती जा रही है। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।